इस वीडियो में मैं आपको एकदम शुरू से पाइथन के बारे में सिर्फ उतनी चीजें बताऊंगा जितना आपको गेम्स, जीयूआई, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग करने के काम आएगी। इस वीडियो को देखने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए और वो है आप लोग का ध्यान, क्योंकि ये वीडियो बहुत छोटा है। इस वीडियो को अगर आप लोगों ने पूरा देखा तो मैं आप लोगों को गारंटी दे सकता हूं कि आपको कभी पाइथन कोड लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर आप लोग पूरा देखें तभी। कोड का लिंक और टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके बाद भी अगर कोई जानकारी रह जाएगी तो मैं पिन कमेंट या फिर से डिस्क्रिप्शन अपडेट करके दे दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने कंप्यूटर पर पाइथन को रन करने के लिए सबसे पहले आप लोग को उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए आप लोग जाइए क्रोम ब्राउजर में और वहां पर लिखिए पाइथन इंस्टॉल और एंटर मार के python.org वाली लिंक को चुन लीजिए। वहां से जो भी लेटेस्ट वर्जन चल रहा हो पाइथन का उसको डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो को बनाते टाइम लेटेस्ट वर्जन 3.7 है तो मैं वो डाउनलोड कर रहा हूं। जैसे ही पाइथन डाउनलोड हो जाए आप लोग उसको खोलकर इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करते वक्त आप लोग ध्यान रखें कि ये जो एड पाइथन 3.72 पाथ का ऑप्शन आ रहा है इसको आप लोग चेक कर दें, उसके बाद इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दें। इसके बाद आप लोग अपने स्टार्ट बटन पे क्लिक करके सर्च करें IDLE, आई रिपीट IDLE सर्च करें और जो पाइथन 3.7 32 बिट लिखकर आ रहा है इस पर आप लोग क्लिक कर दें। इसके बाद फाइल में क्लिक करके न्यू फाइल में क्लिक करें और यहाँ पर आप लोग अपना पाइथन कोड लिख सकते हैं। कोई भी एक बेसिक चीज जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर सकती है वो होता है कंसोल पे प्रिंट करना। पाइथन प्रोग्रामिंग में आप लोग किसी भी चीज को प्रिंट करने के लिए लिखते हैं सिंपल सा एक प्रिंट स्टेटमेंट, उसके बाद आप लोग ब्रैकेट खोलते हैं, उसके बाद लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, उसके बाद आप लोग ब्रैकेट क्लोज करके अपने कीबोर्ड में F5 की दबाइए और जैसे ही आप लोग F5 की दबाएंगे आप लोग इस प्रोग्राम को सेव करके फाइल को कोई भी नाम देके सेव पर क्लिक करके इसको रन कर सकते हैं। आप लोग देखिए यहाँ पर मेरी स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड लिखकर आया है, जिसका मतलब है कि मेरा ये जो प्रोग्राम है वो रन हो चुका है। मैं जो कुछ भी यहाँ पर लिखूंगा वो मेरा यहाँ पर शो करेगा। जैसे देखिए आप मैं F5 दबाता हूं तो यहाँ पर मेरा हेलो वर्ल्ड शो कर रहा है। अब हम लोग बात करेंगे मॉड्यूल्स की, जिसका मतलब बना बनाया कोड जो कि किसी दूसरे ने आपके लिए लिखा हुआ और आप लोग उसको इंपोर्ट करके यूज कर सकते हैं। मॉड्यूल्स को यूज करने के लिए आप लोग को अपने स्टार्ट बटन पर राइट क्लिक करना होगा और फिर पावर शेल या कमांड प्रॉम्प्ट जो भी ऑप्शन आ रहा है उसको सेलेक्ट करना होगा और सेलेक्ट करने के बाद आप लोग पिप इंस्टॉल करके मॉड्यूल का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं सिंपल सा मॉड्यूल इंस्टॉल करूंगा जिसका नाम है फ्लास्क। मैं यहाँ पर लिखूंगा पिप इंस्टॉल फ्लास्क और एंटर मार दूंगा। पिप इंस्टॉल कोई भी मॉड्यूल लिखने से हमारा मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाता है और उसकी सारी डिपेंडेंसीज भी इंस्टॉल हो जाती है, जैसे कि आप लोग अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं पावर शेल को बंद कर दूंगा और आप लोग को अब एक मॉड्यूल यूज करके दिखाऊंगा जिसका नाम है मैथ। पाइथन में कुछ मॉड्यूल ऑलरेडी बिल्ट इन होते हैं और कुछ मॉड्यूल्स को पिप इंस्टॉल से इंस्टॉल करना पड़ता है, जैसे कि मैंने आप लोग को अभी दिखाया। अभी मैं एक बिल्ट इन मॉड्यूल को यूज करूंगा जिसका नाम है मैथ, उसको मैं इंपोर्ट करने के लिए लिखूंगा इंपोर्ट मैथ। इसके बाद मैथ के अंदर का जो भी कोड है वो मैं यूज कर सकता हूँ। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे। अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा मैथ डॉट फ्लोर जो कि फ्लोर वैल्यू देता है और इसके अंदर लिख दूंगा 3.65 और उसके बाद ब्रैकेट्स को बंद कर दूंगा एक मैथ के लिए और एक प्रिंट स्टेटमेंट के लिए। अपने पाइथन प्रोग्राम में आप लोग ध्यान रखें कि जितनी ब्रैकेट आप लोग खोल रहे हैं उतनी ब्रैकेट आप लोग बंद भी कर रहे हैं। इसके बाद मैं F5 दबाऊंगा इस प्रोग्राम को रन करने के लिए और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हेलो वर्ड के बाद मेरा 3 लिखकर आ गया, जिसका मतलब है कि इसने पॉइंट के बाद जो कुछ भी था उसको हटा दिया, जैसे कि मैथ डॉट फ्लोर फंक्शन हमारा मैथमेटिक्स में करता है। इसी के साथ साथ आप लोग मैथ डॉट कॉस फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं जो कि हमारा कॉस थीटा निकाल के हम लोग को देता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे वेरिएबल्स की, यार पाइथन में वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो उसके लिए मैं इस कोड को कमेंट आउट कर दूंगा। कमेंट आउट का मतलब होता है कि कोड रन नहीं होगा जब तक आप उसको अनकमेंट नहीं करें। कमेंट में आप लोग करने के लिए दिखाता हूं, आप लोग फॉर्मेट में जाकर कमेंट आउट रीजन में क्लिक कर दें। इससे क्या होगा कि ये जो हैश है वो आपकी लाइंस के पीछे आ जाएंगे, जिसका मतलब है कि आपका ये 3 लाइन अब रन नहीं करेंगी और इन 3 लाइन को ही प्रोग्राम इग्नोर करेगा। इसके बाद आप जो कुछ लिखेंगे वो रन होगा लेकिन ये जो हैश वाली लाइंस है वो रन नहीं होंगी। इसी को हम लोग कमेंट्स बोलते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। मैं F5 दबा के आप लोग को दिखा देता हूं और आप लोग देखो यहां पर मेरा कुछ रन नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं यहां पर प्रिंट दिस विल रन लिखूंगा तो ये रन हो जाएगा। इसके बाद पाइथन में हमारे पास होते हैं वेरिएबल्स जो कि कंटेनर्स होते हैं वैल्यूज के। मैं आप लोगों को बताता हूं इस चीज का क्या मतलब है। जैसे कि मान लीजिए मैं a इज इक्वल टू 1 यहां पर लिखूं और b इज इक्वल टू 3 लिखूं तो a में 1 आ जाएगा और b में 3 आ जाएगा और इसके बाद अगर मैं प्रिंट a प्लस b लिखूं तो आप लोग देखिए यहां पर 4 आ जाएगा। ये दो वेरिएबल्स जो है वो इंटीजर वेरिएबल्स है, जैसे कि आप लोग को मालूम ही होगा, लेकिन अगर मैं यहां पर c इज इक्वल टू दिस इज मी लिख दूं तो वो एक स्ट्रिंग वेरिएबल होगा और अगर मैं यहां पर प्रिंट c लिखूं तो आप लोग देखिए ये भी मेरा स्क्रीन में प्रिंट हो जाएगा। इसी के साथ साथ हमारे पास फ्लोट वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाता हूं अगर मैं d इज इक्वल टू 3.4 लिखूं और उसके बाद प्रिंट d लिखूं और उसके बाद F5 दबा के अगर अपने प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करूं तो आप लोग देखिए यहां पर 3.4 आ गया। किसी भी वेरिएबल का टाइप निकालने के लिए आप लोग को टाइप फंक्शन को यूज करना है। जैसे मान लीजिए मैं अगर यहां पर टाइप d लिखूं तो ये मुझे बता देगा कि टाइप इसका क्या है, जैसे कि आप लोग देखिए यहां पर क्लास फ्लोट लिखकर आ गया। अगर मैं टाइप ऑफ c लिख दूंगा तो ये मुझे क्लास स्ट्रिंग लिखकर दिखाएगा। उसी तरह अगर मैं यहां पर टाइप a या b लिखूंगा तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर टाइप ये मुझे क्लास इंट लिखकर दिखा रहा है। हालांकि अगर आप लोग बिगिनर हैं तो टाइप के बारे में आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखें कि अगर आप लोग कोई भी दो नंबर को ऐड कर रहे हैं तो उनका टाइप जो है वो इंटीजर या फ्लोट होना चाहिए। अगर आप लोग दो स्ट्रिंग्स को ऐड कर रहे हैं जो कि नंबर है, यानी कि अगर 1 और 3 स्ट्रिंग्स हैं, यानी कि अगर मैं इनको कुछ इस तरह लिख दूं तो 1 और 3 स्ट्रिंग्स बन जाएंगे, उसके बाद अगर आप लोग ऐड करेंगे तो वहां पर आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। इसके बारे में हम लोग आगे और बात करेंगे। मैं वापस से इन 6 लाइंस को कमेंट आउट कर देता हूं और अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रिंग्स और उनके फंक्शन की। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और आप लोग को किसी भी स्ट्रिंग के फंक्शंस और उसके साथ आप लोग क्या क्या कर सकते हैं ये मालूम होना चाहिए। तो मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूं, उसका नाम मैं लगता हूं str1 और मैं यहां पर लिखता हूं दिस इज माय फर्स्ट पाइथन स्ट्रिंग। अब अगर मैं यहां पर
प्रिंट एसटीआर वन लिखूंगा तो ऑब्वियस ही बात है जो मेरी स्ट्रिंग है वो प्रिंट हो जाएगी। किसी भी स्ट्रिंग के साथ एक मेन ऑपरेशन होता है कि उसके पहले लेटर को कैपिटलाइज करना। इसके लिए पाइथन में एक फंक्शन होता है जिसका नाम है कैपिटलाइज। F5 दबा के रन करते हैं और देखते हैं कि क्या प्रिंट होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर टीज ने कैपिटल कर दिया और यही कैपिटलाइज फंक्शन करता है। इसी के साथ साथ हमारे पास स्ट्रिंग में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, उनमें से कुछ है फाइंड जो कि फाइंड करता है स्ट्रिंग के अंदर कोई भी सब स्ट्रिंग। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर दिस लिख दूं उसके बाद इसको प्रिंट करूं तो आप लोग देखिए यहाँ पर जीरो प्रिंट हो जाएगा, यानी कि जीरो इंडेक्स में मेरा दिस है। पाइथन में इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होती है, जीरो से काउंट करना ये स्टार्ट करता है 0, 1, 2, 3, 4 और दिस मेरा जीरो इंडेक्स पर है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एक और फंक्शन स्ट्रिंग में हमारे पास होता है अपर और लोअर। अगर मैं यहाँ पर इसको अपर इस तरह लिख दूं और उसके बाद प्रोग्राम को रन करूं तो आप लोग देख सकते हैं ये सारी की सारी स्ट्रिंग को कैपिटलाइज कर देगा। उसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पर लोअर लिख दूं तो आप लोग देखिए यहाँ पर ये स्ट्रिंग को स्मॉल केस में प्रिंट कर देगा। स्ट्रिंग के और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं जिनको आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं और एक एक करके उनको अपने आप रन करके देख सकते हैं। उसके बाद आप लोग को उन फंक्शंस की और भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब हम लोग मूव करेंगे लिस्ट की तरफ और मैं इस कोड को वापस से कमेंट आउट कर दूंगा। अगर आप लोग को अभी नहीं पता कि कमेंट आउट क्या होता है तो कमेंट आउट सिर्फ इतना होता है कि जो भी आपका कोड कमेंट आउट है वो रन नहीं होगा, उसको जो मेरा पाइथन इंटरप्रेटर है वो इग्नोर करेगा। चलो बात करते हैं लिस्ट के बारे में जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिस्ट कुछ नहीं होता है, बस एक कंटेनर होता है वेरिएबल्स का। उस लिस्ट के अंदर मैं कोई दूसरी लिस्ट डाल सकता हूं, उस लिस्ट के अंदर मैं इंटीजर डाल सकता हूं, उस लिस्ट के अंदर मैं स्ट्रिंग भी डाल सकता हूं। जैसे मान लीजिए मैं आइटम्स नाम की लिस्ट बनाऊं तो उसके लिए मुझे एक स्क्वायर ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मुझे कुछ आइटम्स डालने होंगे। मान लीजिए मैं 1, 2, 3 डाल देता हूं और उसके बाद मैं स्क्वायर ब्रैकेट को बंद कर देता हूं। उसके बाद अगर मैं यहां पर प्रिंट आइटम्स लिखूंगा और इसको रन करूंगा तो आप लोग देखिए यहां पर 1, 2, 3 प्रिंट हो गया है। ये 1, 2, 3 कोई आम 1, 2, 3 नहीं है, ये इस लिस्ट से आ रहा है। जिस तरह मैंने आप लोगों को टाइप ऑफ ए प्रिंट करके दिखाया था उसी तरह अगर मैं आप लोगों को टाइप ऑफ आइटम प्रिंट करके दिखाऊं और प्रोग्राम को रन करूं तो आप लोग देखिए यहां पर मुझे एक क्लास लिस्ट बता रहे हैं, जिसका मतलब कि एक लिस्ट है। लिस्ट के अंदर जरूरी नहीं है कि सारे एलिमेंट सेम हो, उसके अंदर एक इंटीजर दो स्ट्रिंग, दो इंटीजर एक स्ट्रिंग या फिर दो इंटीजर एक लिस्ट भी हो सकती है। मैं आप लोग को दिखाता हूं। अगर मैं यहां पर हैरी लिख दूं उसके बाद इसको प्रिंट करूं तो आप लोग देखिए यहां पर इसकी क्लास लिस्ट ही रहती है। अगर मैं यहां से टाइप हटाकर इन आइटम्स को प्रिंट करूं तो आप लोग यहां पर देखिए प्रिंट कर देगा लिस्ट जिसका पहला एलिमेंट है हैरी, दूसरा दो और तीसरा तीन। अगर आप लोग किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आ रहे हैं तो लिस्ट यहां पर ऑलमोस्ट एरे की तरह काम करती है, हालांकि ये एरे से बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, इसलिए पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मानी जाती है बिगिनर्स के लिए। यहां पर अगर मैं आइटम्स की पहली वैल्यू को चेंज करना चाहूं तो मैं यहां पर लिख सकता हूं आइटम 0 इज इक्वल टू मनीष और उसके बाद मैं अगर यहां पर प्रिंट कर दूं आइटम्स और F5 दबा के रन करूं तो आप लोग देखिए यहां पर मेरा जो पहला एलिमेंट है इसका मनीष हो गया है। उसी तरह अगर मैं इसके दूसरे एलिमेंट को चेंज करना चाहता हूं तो मुझे 1 लिखना पड़ेगा। गिनती यहां से 0 से स्टार्ट होती है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें, इसलिए दूसरे एलिमेंट को चेंज करने के लिए मैं 1 इंडेक्स को यूज कर रहा हूं। F5 दबा के इसको रन करूंगा, आप लोग देखिए पहला आ गया हैरी, दूसरा है मनीष, क्योंकि मैंने यहां पर आइटम्स 1 को मनीष कर दिया। इसी तरह आप लोग और भी आइटम्स को चेंज कर सकते हैं। और अगर आपके लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट है तो आप लोग लिस्ट के अंदर की लिस्ट को आइटम 1 करके रेफरेंस कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूं कि मेरी लिस्ट के एलिमेंट को कोई चेंज ना कर पाए तो मैं बनाता हूं ट्यूपल। ट्यूपल और लिस्ट ऑलमोस्ट सेम होती है, बस डिफरेंस ये होता है कि आप लोग ट्यूपल के एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते। ट्यूपल को बनाने के लिए जैसे मैंने यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट लिस्ट के लिए यूज किया, मैं भी क्या करता हूं इसको कमेंट आउट कर देता हूं कोड को और मैं आप लोगों को शुरू से बताता हूं कि ट्यूपल क्या होता है। अगर मैं यहां पर ट्यूब 1 इज इक्वल टू लिखूं और यहां पर पैरेंथेसिस लिखूं 1, 2, 3 और इसके बाद यहां पर प्रिंट कर दूं ट्यूब 1 को, F5 दबा के रन करूं तो आप लोग देखिए यहां पर 1, 2, 3 आ गया। अगर मैं ट्यूब 1 की जगह टाइप ऑफ ट्यूब 1 लिख दूंगा तो आप लोग यहां पर देखिए इसने मुझे क्लास ट्यूपल बता दिया, इसका मतलब ये एक ट्यूपल है। अगर मैं अपने ट्यूपल की वैल्यू को चेंज करना चाहूं और मैं यहां पर लिखूं ट्यूब 0 इज इक्वल टू 2 और मैं F5 दबा के इसको रन करूं तो आप लोग देखिए एरर देगा, ये कहेगा कि ट्यूपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट असाइनमेंट, यानी कि आप लोग ट्यूपल की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, ये एरर थ्रो करेगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि कंटेनर की वैल्यूज चेंज ना हो तो आप लोग ट्यूपल यूज करें, अगर आप लोग उसको बार बार चेंज करना चाहते हैं आप लोग लिस्ट यूज करें। एक और इंपॉर्टेंट डेटा टाइप पाइथन में हमारे पास होता है डिक्शनरी। मैं पुराने कोड को कमेंट आउट करके आप लोग को एक डिक्शनरी बना के दिखाता हूं और मैं यहां पर लिखूंगा डिक्ट 1। डिक्शनरी को हम लोग कर्ली ब्रेसेस से डिनोट करते हैं, मैं यहां पर कर्ली ब्रेसेस लिख के एम्प्टी डिक्शनरी बना दूंगा। अब अगर मैं यहां पर प्रिंट टाइप ऑफ डिक्ट 1 लिखूं तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर क्लास डिक्ट बता रहे हैं, यानी कि एक डिक्शनरी है। मैं अगर इस टाइप को हटा दूंगा तो ये मेरे लिए डिक्शनरी को प्रिंट कर देगा, जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं। बेसिकली डिक्शनरी एक की वैल्यू पेयर होता है, जैसे कि मैं आप लोग करके दिखाता हूं। मान लीजिए कि मैं अपनी डिक्शनरी में स्टोर करना चाहता हूं प्लेयर्स और उनके रन। मान लीजिए मैं यहां पर डिक्शनरी में लिखता हूं डिक्ट 1 और यहां पर लिखता हूं विराट, जो कि मेरी की है और उसकी जो वैल्यू है मान लीजिए वो 100 है, यानी कि विराट ने 100 रन बनाए। इसके बाद मैं अगर अपनी डिक्शनरी को प्रिंट करना चाहूंगा तो मैं लिखूंगा प्रिंट डिक्ट 1 और उसके बाद मैं अपने प्रोग्राम को रन करूंगा तो आप लोग देखिए यहां पर विराट 100 है। इसी तरह मैं और भी बहुत सारी वैल्यूज को ऐड कर सकता हूं और अपनी डिक्शनरी को बड़ा कर सकता हूं। विराट ने कितने रन बनाए इसको मैं एक्सेस करने के लिए यहां पर लिखूंगा प्रिंट डिक्ट 1 विराट। अगर मैं यहां पर प्रिंट डिक्ट 1 विराट लिखूंगा तो आप लोग देखिए यहां पर 100 प्रिंट हो जाएगा। विराट की वैल्यू को पाने के लिए मैंने यहां पर डॉट गेट मेथड भी यूज किया हो सकता था, डॉट गेट यूज करने के लिए मैं लिखूंगा डॉट गेट और उसके अंदर मैं डालूंगा विराट। इसके बाद मैं F5 दबा के जैसे एंटर मारूंगा देखिए यहां पर 100 प्रिंट हो गया। फंक्शंस के बारे में मैं आपको भी थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन अभी आप लोग सिर्फ इतना समझ लीजिए कि डॉट गेट एक फंक्शन है जो कि एक वैल्यू लेता है और कुछ रिटर्न करता है। इस केस में वो 100 रिटर्न कर रहा है। किसी भी डिक्शनरी का बर्ड आई व्यू लेने के लिए आप लोग प्रिंट कर सकते हैं उसके आइटम्स, तो आप लोग लिखे प्रिंट डिक्ट 1 डॉट आइटम्स और अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप लोग देखिए यहां पर इसने मुझे डिक्शनरी के सारे आइटम्स
को दिखा दिया है। अब इस डिक्शनरी में सिर्फ एक आइटम है, अगर बहुत सारे आइटम होते तो वो सारे आइटम्स यहाँ पर दिखाई देते। अगर आप लोग किसी डिक्शनरी की सिर्फ कीज प्रिंट करना चाहते हैं तो आप लोग लिखिए प्रिंट डिक्ट वन डॉट कीज, और उसके बाद आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप लोग देखिए यहाँ पर मुझे सारी की सारी कीज मिल गई है। इस केस में सिर्फ विराट है अभी हमारे अंदर, लेकिन अगर मैं यहाँ पर डिक्ट वन और सचिन भी एड कर दू, सचिन तो सबका बाप है तो 500 रन बनाएगा, और F5 दबा के रन करूं तो आप लोग देखिए यहाँ पर विराट और सचिन दोनों दिखाए जा रहे हैं। डिक्शनरी के बाकी के फंक्शंस के बारे में जानने के लिए आप लोग पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं। इस सारे कोड को मैं वापस से कमेंट आउट कर देता हूं, और अब आपको बताता हूं कि सेट क्या होता है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर एक लिस्ट बनाऊं जिसका नाम रखूं मैं लिस्ट वन, उसके अंदर मैं आइटम्स 1 2 3 4 और 4 और 1 फिर से, और अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो आप लोग देखिए यहाँ पर ये लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। अगर मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर के जो आइटम्स हैं वो रिपीट ना हो तो मैं इसको सेट में टाइप कास्ट कर दूंगा। टाइप कास्टिंग से ये होता है कि हम लिस्ट को ट्यूपल, ट्यूपल को लिस्ट, या फिर लिस्ट को सेट या सेट को लिस्ट में बदल सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर लिस्ट को सेट में बदल के दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिखूं S1 इज इक्वल टू सेट ऑफ लिस्ट 1, तो मेरा S1 एक सेट है, और मैं अगर इस सेट को प्रिंट करूंगा तो आप लोग यहाँ पर देखिए यहाँ पर जितने भी रिपीटेड आइटम्स थे वो रिमूव हो जाएंगे। सेट के बारे में और जानने के लिए आप लोग गूगल पर सर्च कर लेना सेट डेटा टाइप पाइथन, और उसके बारे में आप लोग और वहां से पढ़ लेना। इस कोड को वापस से मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, और लोग बात करते हैं ऑपरेटर्स के बारे में। अगर मैं लिखूं A इज इक्वल टू 5 और B इज इक्वल टू 10 और मैं प्रिंट करूं A+B, तो इस प्रोग्राम को रन करने पर मुझे यहाँ पर मिलता है 15। लेकिन अगर मैं यहाँ पर C इज इक्वल टू हैरी लिख देता हूँ, जो कि एक स्ट्रिंग है क्योंकि मैंने डबल कोट्स यूज किए हुए हैं, और मैं यहाँ पर A+B+C लिखता हूँ, तो आप लोग देखिए यहाँ पर एरर आ रहा है, कह रहा है कि आप लोग इंटीजर को स्ट्रिंग में नहीं जोड़ सकते। लेकिन अगर मान लीजिए मेरा मतलब था 5, 10 और हैरी, यानी कि मैं चाहता हूँ कि ये तीनों चीजें कॉन्कैटिनेट कर जाएं, तो मैं A और B को भी स्ट्रिंग में टाइप कास्ट कर दूंगा, यानी कि इंटीजर से स्ट्रिंग में बदल दूंगा। उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा str कुछ इस तरह से, और उसके बाद F5 दबा के रन करूंगा तो आप लोग देखिए यहाँ पर 510 हैरी यहाँ पर आ गया है। अगर मैं प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिखूं 10-5 is 10-5, और मैं F5 दबा के एंटर मारूं, तो आप लोग यहाँ पर देखिए 10-5 is 5 आ रहा है, यानी कि मैं प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर दो चीजें भी प्रिंट कर सकता हूँ कॉमा लगा के, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। उसी तरह मैं अगर और ऑपरेटर्स यूज करना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरह कर सकता हूँ। F5 दबा के इसको रन करूंगा तो आप लोग देखिए यहाँ पर ये सब कुछ प्रिंट हो गया, जो कि आप लोग समझ सकते हैं क्या है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दें कि 10/5 यहाँ पर जो आ रहा है वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आ रहा है, और अगर आप लोग इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप लोग इंट से इसको टाइप कास्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग में किया हुआ है A को। मैं इस कोड को वापस से कमेंट आउट कर दूंगा। अगर आप लोग यूजर से पाइथन में इनपुट लेना चाहते हैं तो आप लोग को लिखना पड़ेगा वेरिएबल का नाम, मान लीजिए मैं VAR लिखता हूँ, उसके बाद आप लोग को लिखना पड़ेगा इनपुट। वेरिएबल के अंदर ये जो इनपुट आएगा वो एक स्ट्रिंग होगी, इसलिए अगर आप लोग नंबर के साथ काम कर रहे हैं तो आप लोग इस वेरिएबल को इंटीजर में टाइप कास्ट कर लीजिए। उसके लिए मैं लिखूंगा वेर इज इक्वल टू इंट इनपुट, तो इनपुट फंक्शन से हमारे पास इनपुट आएगा और जो इंट है उससे हमारा इंटीजर में टाइप कास्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर 4 लिखूं तो आप लोग देखिए यहाँ पर 4 प्रिंट हो गया, इसका मतलब वेर में हमारा 4 स्टोर हो गया। अब मैं आपसे बात करूंगा कंडीशनल की। मान लीजिए मैं चेक करना चाहता हूँ कि जो यूजर ने इनपुट किया वो वेरिएबल 4 से बड़ा है या छोटा है, तो मैं इफ स्टेटमेंट का यूज करूंगा। मैं यहाँ पर लिखूंगा इफ वेर इज ग्रेटर देन 4 प्रिंट वेरिएबल इज ग्रेटर, इसको रन करके आप लोग को दिखाता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर 6 दबा के एंटर मारूंगा तो आप लोग देखिए कह रहा है वेरिएबल इज ग्रेटर। अब अगर मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि अगर ये ग्रेटर नहीं है तो ये बोले कि वेरिएबल इज नॉट ग्रेटर, तो मैं एल्स स्टेटमेंट का यूज करूंगा। कोलन लगा के एंटर मार के जो मैंने स्पेसेस यहाँ पे दिए इसको कहते हैं इंडेंटेशन। हम इंडेंटेशन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट या C++ की तरह कर्ली ब्रेसेस यहाँ पर यूज नहीं करते हैं। इंडेंटेशन हमको ये बताता है कि हम लोग इफ स्टेटमेंट के अंदर घुस चुके हैं। एल्स के अंदर ये डाल के मैं इसको रन करता हूँ, और आप लोग देखिए अगर मैं 7 यहाँ पर डालूं तो ये कह रहा है वेरिएबल इज ग्रेटर, और अगर 2 डालूं तो ये बोल रहा है वेरिएबल इज नॉट ग्रेटर। इफ एल्स के साथ साथ एक एलिफ भी होता है जो हमको एडिशनल कंडीशन चेक करने में मदद करता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरा वेरिएबल अगर 2 है या नहीं, तो मैं यहाँ पर इसको प्रिंट कर सकता हूँ वेरिएबल इज 2, जिससे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मेरा 2 प्रिंट हो चुका है। इस कोड को कमेंट आउट करने के बाद हम देखेंगे कि लूप्स क्या होते हैं। मैं लूप को आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लीजिए आपको 1 से लेकर 100 तक नंबर्स प्रिंट करने हैं, तो एक तो तरीका हो जाएगा आप लोग 1 से लेकर 100 तक प्रिंट स्टेटमेंट लगा दीजिए, लेकिन उससे आसान तरीका होगा लूप। मैं आप लोग को फॉर लूप यूज करना सिखाता हूँ। मैं यहाँ पर लिखूंगा फॉर आई इन रेंज, जो कि एक फंक्शन होता है 0 to 100, इसके अंदर मैं यहाँ पर आपको लिख के दे दूंगा प्रिंट आई। इससे आपका आई 0 से लेकर 100 तक प्रिंट हो जाएगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इनफैक्ट ये 0 से 99 तक प्रिंट होगा क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होता है और N-1 पे खत्म होता है। तो अगर आप लोग 0 से 100 तक करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर 101 लिखिए और इसको रन करके देखिए 0 से लेकर 100 तक प्रिंट हो जाएगा। इसी चीज को अगर मैं वाइल लूप से करूं तो मैं कुछ जिस तरह करूंगा। मैं लिखूंगा वाइल आई इज लेस देन 101 और आई को इनिशियली मैं 0 कर दूंगा और मैं करूंगा प्रिंट आई। तो अब मैं इसको अगर मैं आपके सामने रन करूं तो आप लोग देखिए यहाँ पर 0 0 0 प्रिंट हो रहा है। मुझे आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 भी लिखना पड़ेगा, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। फॉर लूप में आई ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, वाइल लूप में हमें आई मैनुअली अपडेट करना पड़ता है। मैं अभी यहाँ पर F5 दबाऊंगा तो आप लोग देखिए 0 से लेकर 100 तक प्रिंट हो जाएगा। इसको वापस से कमेंट आउट करता हूँ और आप लोग को बताता हूँ कि फंक्शंस क्या होते हैं। अगर आप लोगों ने अपने प्रोग्राम में कोई एक काम करने का मन बना लिया है कई बार, जैसे मान लीजिए आप अपने प्रोग्राम में एवरेज निकालना चाहते हैं बहुत बार, तो आप उसके लिए एक फंक्शन लिख सकते हैं। उसके लिए आपको डेफ कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा और फंक्शन का नाम उसके बाद लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग को उसके अंदर वो वेरिएबल्स देने होंगे जो कि वो लेता है। यहाँ पर मैं num1, num2 ले लेता हूँ, मान लीजिए 2 नंबर लेता है, उनका एवरेज निकालता है। इसके बाद मैं लिखूंगा AVR इज इक्वल टू num1 plus num2 upon 2, और इसके बाद मैं रिटर्न कर दूंगा AVR। रिटर्न का मतलब होता है कि ये फंक्शन जब भी रन करेगा तो जिस भी वेरिएबल के इक्वल हम इस फंक्शन को रखेंगे वहां पर ये AVR वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू जो भी हमने रिटर्न कीवर्ड के बाद लिखी है। इसको एक बार टेस्ट करते
हैं, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ प्रिंट एवरेज 3.6 और इसके बाद मैं इसको रन करूँ तो आप लोग यहाँ पर देखिए 4.5 आ गया है, यानी कि जितनी चीजें भी मैंने हाईलाइट की हुई है उसमें 4.5 वैल्यू आ गई है, चाहे मैं 4.5 लिखूँ या ये एवरेज 3.6 लिखूँ बात बराबर है। इसको कमेंट आउट करते हैं और अब आपको बताता हूँ कि ट्राई एक्सेप्ट क्या होता है, आप लोग एक्सेप्शन को किस तरह हैंडल कर सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई कोड है जो कि एरर थ्रो कर सकता है और आपको डर लग रहा है कि अगर इसने एरर थ्रो किया तो आपका नीचे का बाकी का प्रोग्राम नहीं चलेगा, और आप लोग सोचते हैं कि अगर ये एरर थ्रो करता है तो इसको स्किप करके प्रोग्राम आगे बढ़ जाए, तो आप लोग ट्राई एक्सेप्ट का यूज करते हैं। उसके लिए आप लोग लिखते हैं ट्राई और कोलन लगाते हैं और एंटर मारते हैं और आप लोग एक इंडेंट लेवल आगे चले जाएंगे। इसके बाद मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट इंडेक्स। अब मैंने अपने पूरे प्रोग्राम में इंडेक्स को डिफाइन नहीं किया हुआ है तो ये ऑब्वियसली एरर थ्रो करेगा। मैं चाहता हूं कि एरर थ्रो ना करे जबकि क्या करे, एक्सेप्शन को हैंडल कर ले, यानी कि प्रोग्राम को एग्जिट ना करे। तो मैं लिखूंगा एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई और उसके बाद उस एक्सेप्शन को प्रिंट कर दूंगा प्रिंट ई लिखकर। जैसे कि मैं आप लोग इसको रन करके दिखाता हूं, ये अभी एरर थ्रो कर रहा है तो ये क्या करेगा, यहां पर इसको प्रिंट कर देगा। मैं आपको फिर से बता दूं ये एरर नहीं है, ये प्रोग्राम ने जनरेट किया, नेम इंडेक्स इज नॉट डिफाइंड, एरर हमारा रेड कलर से आता है कुछ इस तरह, ये एरर नहीं है। अब अगर मान लीजिए यहां पर मैं इंडेक्स को डिफाइन कर देता हूं और मैं लिख देता हूं इंडेक्स इज इक्वल टू 3, तब मेरे प्रोग्राम को कोई दिक्कत नहीं होगी और वो 3 प्रिंट कर देगा, जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूं पाइथन में फाइल किस तरह रीड कर लेते हैं। मान लीजिए आप लोग एक फाइल बनाना चाहते हैं जिसका नाम है 1.txt और उसके अंदर आप लोग हैरी लिखना चाहते हैं, तब हम लोग एक फाइल पॉइंटर बनाते हैं। मैं यहां पर लिखूंगा एफ इज इक्वल टू ओपन, फिर मैं लिखूंगा 1.txt जो कि एग्जिस्ट नहीं करती और मैं अभी इसको बनाने वाला हूं, उसको मैं खोलूंगा राइट मोड में कॉमा लगा के डब्ल्यू लिखूंगा। अब मैं लिखूंगा एफ डॉट राइट और उसके बाद मैं हैरी लिख दूंगा। रन करने से पहले मैं यहां पर एफ डॉट क्लोज लिख दूंगा क्योंकि जो फाइल मैंने खोली है उसको क्लोज करना भी जरूरी है। अब मैं इसको जैसे ही रन करूंगा तो आप लोग देखिए यहां पर 1.txt अगर मैं अपने डेस्कटॉप से जैसे ही पुल करूं तो आप लोग देखिए इसमें हैरी लिखकर आ गया है। अगर मैं हैरी की जगह लिख दूं सब्सक्राइब टू इस चैनल फॉर मोर और इसको रन करूं तो आप लोग देखो वो टेक्स्ट यहां पर आ जाएगा। तो इस तरह हमने फाइल लिख दी है। अब अगर इसी फाइल को मैं रीड करना चाहता हूं तब मैं इस फाइल को रीड मोड में खोलूंगा, उसके लिए मैं यहां पर डब्ल्यू की जगह सिंपली आर लिख दूंगा और एक कंटेंट नाम का वेरिएबल बनाऊंगा जिसके बाद मैं लिखूंगा एफ डॉट रीड। एफ डॉट रीड एक फंक्शन होता है इसलिए मुझे ओपन क्लोज पैरेंथेसिस लगाना होगा और उसके बाद फाइल को क्लोज भी करना होगा। अब अगर मैं यहां पर प्रिंट कंटेंट लिखूं तो इस फाइल का जो कंटेंट है जो कि मैंने इस वेरिएबल में स्टोर किया हुआ है वो प्रिंट हो जाएगा। मैं आपको रन करके दिखाता हूं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सब्सक्राइब टू इस चैनल फॉर मोर प्रिंट हो चुका है, फटाक से दबा दीजिए सब्सक्राइब का बटन। तो मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा ये 15 मिनट में पाइथन सिखाने का प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग चाहते हैं मैं इस तरह आप लोग को और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सिखाऊं तो मुझे एक लाइक दीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन बताइए कि अगला वीडियो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाना है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।